सो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज आई एम हेडिंग टूवर्ड्स जलंधर। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज आई हैड अ रोड एक्सीडेंट अराउंड 1 month अगो। सो आई गॉट इंजर्ड, माय बाइक गॉट डैमेज। सो उसमें मेरा मीटर था जो इंटरसेप्टर का, वो चेंज होना था, बट देन दे डिडंट हैव इट इन स्टॉक, सो दे ऑर्डर्ड इट, दैट हैज़ कम टुडे। सो उसके लिए जा रहा हूँ, एक तो फिक्स के लिए, और दूसरा दे वर सपोज टू इंस्टॉल BS6 एग्जॉस्ट टू दिस बाइक, बट दे हैव मिस्टेकनली इंस्टॉल्ड BS4 एग्जॉस्ट। सो अभी क्या हो रहा है कि मेरे राइट साइड वाले एग्जॉस्ट से अलग साउंड आ रहा है, जो काफ़ी स्मूथ है, और जो लेफ्ट वाले से काफ़ी लाउड साउंड आ रहा है, जो टोटली काफ़ी अजीब सा लग रहा है सुनने में। सो विच आई हैव रेज द कंप्लेंट टू देम एंड दे हैव अग्रीड टू रिप्लेस इट। सो आज ये दोनों चीज़ों की इंस्टॉलेशन होगी। आई एम अ लिटिल लेट, आई वॉज सपोज टू लीव इन द मॉर्निंग, बट व्हाट हैपेंड इज माई फ्रेंड सौरभ पठानिया, हु ऑल्सो हैज़ इंटरसेप्टर, इज़ एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स जलंधर फ्रॉम शाहकोट। उसकी भी बाइक में इशू है, ही इज़ हैविंग सम रिले इशूज, सो वी बोथ विल बी मीटिंग इन रॉयल एनफील्ड जलंधर शोरूम। सो वहाँ मिलते हैं, फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है। ही सपोज टू लीव टू धर्मशाला टू नाइट, सो वो होशियारपुरी हेड कर रहा है, सो वहाँ से हम दोनों साथ में आएंगे। अभी उसकी बाइक में काफ़ी देर से कुछ, एक तो फ्यूल पंप का इशू था, उसने ही गॉट इट रिप्लेस्ड लास्ट टाइम ही केम, बट लास्ट टाइम व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग टू वीक्स बैक टू धर्मशाला, ऑन द वे बैक फ्रॉम धर्मशाला टू जलंधर, हिज बाइक वाज एक्चुअली चावरिंग पेट्रोल फ्रॉम बिलो द टैंक। सो ही कॉल्ड मी इन द इवनिंग लेट नाइट अराउंड 8, नॉट लेट नाइट, इट वॉज अराउंड 8 PM व्हेन ही कॉल्ड मी। सो आई हैव रीच्ड एट द लोकेशन, and when we called the RSA, the guy came and took, we actually called the vehicle to this Hoshiarpur store. Yahan pe fir next day I've got it fixed, so it went okay. I kept the bike for 2-3 days. I actually rode it in market for 2-3 days to actually know if the problem is still persisting, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। सो अब एक्चुअली इसकी बाइक में कुछ एक नया इशू आ रहा है रिले का, कि दे माइट बी अ सेंसर इशू, बिकॉज वो बाइक स्टार्ट कर रहा था, एकदम से बंद हो जाती है व्हेन ही ओपन्स द लेफ्ट पैनल बिलो द सीट, एंड थोड़ा सा हिलाता है तो वो चल पड़ता है दोबारा से। सो ही थिंक्स इट्स अ रिले इशू, बट देन वी हैव टू गेट इट चेक, बिकॉज ही सपोज टू ट्रेवल टू धर्मशाला, और अगर वो बाइक इशू ही देती रही तो वो तो कहीं भी बंद हो सकती है, और ये रात को ट्रैवल कर रहा है तो काफ़ी इशू आ सकता है। सो अभी मैंने जस्ट बाईपास से टर्न ले लिया है, दिस एक्चुअली रोड गोज़ पैरेलली टू द आदमपुर रोड, बेसिकली यहाँ से होशियारपुर से हम जो जलंधर जाते हैं वाया आदमपुर, ये बिल्कुल उसके पैरेलल रोड चलती है वाया मेटियाना। तो अभी हमको रश नहीं करना है, क्योंकि दिस इज़ द सेम रोड वेयर आई मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट टाइम, नॉट हेयर एग्जैक्टली, आफ्टर क्रॉसिंग द सेंटर पॉइंट विच इज़ मेटियाना। सो आई विल शो यू द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर आई गॉट इंजर्ड। एक्चुअली हुआ क्योंकि मैं सीधा रोड पे जा रहा था मेटियाना के बाद, देयर वाज अ चेक पोस्ट, तो मैंने थोड़ा सा स्लो कर लिया, और कुछ बाइक कुछ कार्स खड़ी थी जिनकी चेकिंग हो रही थी, और उसके साथ ही आई थिंक सो एक ऑफ रोड से रास्ता था, वहाँ से कोई हैरियर शायद आके एक ऑलरेडी खड़ी हुई थी या आ रही थी, ही इमिडिएटली टर्नड, उस बंदे ने एकदम से टर्न कर दिया विदाउट एन इंडिकेटर, एंड आई गॉट शॉक्ड, और मेरे को पता ही नहीं चला क्या हुआ एकदम से, एंड इतना डिस्टेंस भी नहीं था कि ब्रेक मारूँ या कुछ करूँ, सो मैं उस पर जाके टकराया, और वहाँ से मैं साइड पे रोड की राइट साइड में चला गया, और साइड में जाके मैं गिर गया, जिसकी वजह से मेरा पैर जो था वो एक बाइक के लेफ़्ट साइड में नीचे अंदर फंस गई थी टांग मेरी, बिकॉज ऑफ दैट माई लेग गॉट लिटल इंजर्ड, बट चलो वो तो हील हो गई है। मीनवाइल देयर वाज अ मैकेनिक नियर बाय, तो उस मैकेनिक को बुलाया, तो वो अपनी शॉप पे ले गया अक्रॉस द रोड,
उसने चेक किया, देर वॉज फुट लीवर जो एक्चुअली पूरा पीछे को बैक चला गया था, क्लच लीवर जो था पैर का वो बिल्कुल ही पीछे की तरफ चला गया था, तो उसने वो सीधा किया। एट दैट टाइम आई हैव नो आइडिया कि मेरा जो हैंडल बार है वो भी बेंड हो गया। सो आई कॉल्ड माई डैड, मेरे डैड कम से कम हाफ एन आवर में वहाँ पे आ गए थे साइट पे। इन द मीनवाइल व्हाट हैपेंड, जो मैकेनिक था आफ्टर फिक्सिंग माय बाइक ही आस्क्ड मी टू कीप माय फुट, उसने मेरा पैर रख दिया धूप पे, बोलता भाई पाजी इसको धूप लगवाओ, और उसने वहाँ पे ना आयोडेक्स जम के मली पैर पे मेरे। उससे क्या हुआ, मेरा पैर जो था वो थोड़ा सा मतलब क्या ना स्वेलिंग नहीं हुई पैर में, तो वो जान उसमें मूवमेंट रही, एंड ही कंटिन्यूसली वो स्टेलिंग में कि पाजी पैर नू हिलांदे रहो हिलांदे रहो, नहीं तो ये फिर सुन पै जाना। तो व्हाट ही मेंट वाज कि पाजी पैर की मूवमेंट रखो, नहीं तो इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, फिर आपसे पैर हिलाया भी नहीं जाएगा। सो ऑल बिकॉज ऑफ हिम आई वॉज एबल टू गेट अप, आई ट्राइड कि मेरे से गाड़ी चलेगी नहीं, बट देन वो क्लच को काफ़ी प्रेस करना था और मेरे लेफ्ट पैर में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, कि इतनी जान ही नहीं थी क्योंकि मुझे दर्द हो रही थी कि मैं प्रेस कर पाऊँ क्लच को। देन आई डिसाइडेड कि मैं बाइक चलाता हूँ, क्योंकि बाइक का जो क्लच है वो काफ़ी लाइट है और मेरे को वो भी ऊपर की तरफ से मूवमेंट मतलब हल्का सा ऊपर को पुश करना है उसको, तो आई डिड दैट, वो आराम से हो गया। तो हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा था बट फिर भी मैं चला के घर तक बाइक ले आया। देन डैट केम ऑन हिज कार, बेसिकली उस दिन आई वॉज वेयरिंग लॉन्ग बूट्स, उसकी वजह से एक तो पैर का बचाव हो गया, और दूसरा क्या था, दूसरा बेसिकली आई वॉज वेयरिंग अ हेलमेट, सो देयर इज़ अ लिटल स्लाइड मार्क्स ऑन माई हेलमेट ऑन द लेफ्ट साइड, तो हेलमेट पे भी थोड़ा सा निशान लगे हैं। एंड माई दिस ग्लास ऑफ द हेलमेट, सिंस आई स्पेंट गुड अमाउंट ऑन दिस हेलमेट, सो वो पॉप आउट हो गया था, उसको मैंने फिक्स कर दिया था ऑन द स्पॉट इटसेल्फ। He is giving me a good shot. So ये आ गया है मेठियाना, ये मेठियाना के GNA फैक्ट्री है। ये चौक क्रॉस करके थोड़ा सा मैंने 10-12 मिनट आगे जाके एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो बेसिकली विद इन आई थिंक फ्यू मिनट्स विल बी रीचिंग अ फ्लाई ओवर जहाँ से हमें नीचे से राइट लेना है, एंड विल हेड टूवर्ड्स जलंधर, एंड वी विल कनेक्ट बेसिकली टू वो जो अपना जलंधर और होशियारपुर, सॉरी जलंधर और फगवाड़ा वाला हाईवे है, विल कनेक्ट टू दैट रोड। तो बेसिकली दिस रोड विल कनेक्ट टू जलंधर फगवाड़ा हाईवे। तो दैट इज द फ्लाईओवर आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज बेसिकली GT रोड, जलंधर फगवाड़ा रोड, फगवाड़ा इज ऑन दैट साइड, जलंधर इज ऑन दैट साइड, सो वी हैव टू टेक अंडरपास एंड गो take a right towards Jalandhar. So Jalandhar 12 km, Kartarpur 27 km, Bias 53 km from here. LPU, यू सो दिस इज़ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर, जिन लोगों ने सुना ही होगा उनको दिखा देता हूँ, बाकी जिन्होंने देखा हुआ है वो तो अलग बात है। सो मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक ही बार आया हूँ, ये रहा इसका एंट्रेंस के नहीं सॉरी ये है वो दूसरा गेट होगा कोई, या एक्चुअली इंटर कॉलेज क्रिकेट मैच था तो हम वो खेलने आए थे। We lost that match. So I basically take this underpass. मैं यहाँ से आता हूँ और अच्छा फिर ये इंडियन ऑयल के बाद मुझे इनके सर्विस सेंटर जाना है, यानी पीछे की तरफ।
अच्छा हिमालय नहीं लग रही है ये तो, इंजन तो सेम ही है ना, हाइट कम है हाइट ज़्यादा है। हमारी छोड़ के मीटर सबके अच्छे कर दिए, पैसे हमसे ज़्यादा लेने, मीटर दो दूसरों के अच्छे। तो देखना ना भाई ये ऐसी बाइक है ना कभी भी कहीं भी ख़राब हो सकती है, तो उधर कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। एग्जॉस्ट कहाँ से अरेंज हुआ? मेरे बाइक से, कंपनी की बस हो चुकी है। मतलब इतनी पुरानी कंपनी है, नई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं है, एक वो एग्जॉस्ट अरेंज करने में इनको इतनी टेंशन हो रही है। एग्जॉस्ट की बात करते हैं, सॉकर की 2 महीने से चल रही है डिस्कशन। वो गैस्केट का मैंने फोटो दिखाई थी पिछली बार, वो अंदर से क्या हुआ, क्या कंपनी का ये हाल है, बाहर है ना ये। वो तो तूने खींचा जब स्लाइड किया तब ये बाहर आ जाता होगा ना? नहीं नहीं आता है नॉर्मली। मीटर तो लग गया है, एग्जॉस्ट लगाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा काम रह गया। पठानिया साहब अभी तक आया नहीं, पठानिया जी आते हैं तो फिर उनकी भी बाइक दिखाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। मीनवाइल सौरभ भी आ गया था, तो हमने जब बाइक चेक कराई तो दे सेड कि रिले इशू हो सकता है, तो वी हैव गॉट द रिले चेंज इन द बाइक, चारों की चारों रिले चेंज करवाई हैं। Hope this issue doesn't persist.
लेट्स गो। तो चलिए, बाइक हो गई है रिपेयर मेरी भी और पठानिया साहब की भी, तो वी आर जस्ट हेडिंग बैक नाउ। मतलब मैं होशियारपुर होके जाएंगे, बट ही इज़ एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स धर्मशाला वाया होशियारपुर। So right now we are crossing Haveli. ये रही हवेली। So मेरी बाइक में नया मीटर लग चुका है, नया एग्जॉस्ट लग चुका है एज पर द वीडियो यू हैव सीन। So feeling better now, sound is better now, bike has become new and my reading of the meter has gone to 35 kilometers. So bade badi mushkil se 3000 kilometer ke aas paas pahuncha tha. Bura maan gaya, bura maan gaya. पठानी है वो बुलेट वाला ना, बुरा मान गया हम। तुझे तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, बट तो हम वो फ्लाईओवर के पास फिर से पहुंच चुके हैं। आगे से हमें लेफ्ट टर्न लेना है और देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स होशियारपुर एज पर द बोर्ड सेज। ओहो, ये क्या बनाया हुआ उन्होंने। बात यही है ना कि यार एम्बुलेंस को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, एम्बुलेंस के आगे भगाना नहीं चाहिए, उसको जगह मिलनी चाहिए चलने की, तो इसीलिए नहीं उसको ओवरटेक कर रहे और आगे जा रहे, विच इज़ अ सेंसिबल थिंग टू डू।
हाँ नहीं मैं इधर गिरा था, हाँ मैं इधर गिरा था, वो पाजी हैं जिन्होंने उठाया था, नहीं मैं पाजी को जरा मिल के आया। सत श्री अकाल पाजी, हवा भरवानी भरवा ले थोड़ा सा उधर। शुक्रिया भाजी, शुक्रिया। नहीं नहीं भाई इधर इधर भाई, और जी कितने जी भैया, मैं इधर पूरी हेल्प की थी भाई जी, नहीं अपने मैं उस चीज का रखा है सभी, मैंने बता रहा था। हां भाई ये हमारा फर्ज है, बात है कि सारे मानते हैं ना फर्ज, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਆ ਹੀ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। सो ये बेसिकली वही भाजी थे जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिन्होंने मेरे टांग पे, मतलब ऑन माय फुट ही वाज अप्लाइंग आयोडेक्स सो दैट मेरा पैर में स्वेलिंग ना हो। वेरी काइंड हम्बल जेंटलमैन, एंड आई वांटेड टू कम एंड मीट हिम। आते वक्त तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब क्रॉस कर गया ये पॉइंट, बट अभी मैं मिलना चाहता था, मैंने मिल लिया। सो अगले 10 मिनट में हम पहुंचेंगे होशियारपुर, अब मिलके विल पार्ट आवर वेज कॉज आई नीड टू रश बैक होम cause of some work, कुछ काम पड़ गया तो निकलना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी टू टेल हिम दैट यू शुड कंटिन्यू। तूने अभी कहा बैंक जाना है, सीधे जा रहा है तू, निकल फिर। बोल रहा हूँ वो संडे को मुझे फ़ोन कर देना ना, मैं कॉफ़ी हाउस पहले आ जाऊँगा, हाँ मुझे काम है वहाँ पे कुछ। टाइम 6:30, 6:30।
आ जा अंदर। ठीक है फिर संडे को कर दी मुझे फ़ोन, आराम से जाइए, बाय। सो दैट वॉज द ट्रिप फॉर टुडे।